प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये एक छोटा सा कश्मीरी बच्चा कमांडेंट सिंह से हाथ मिलाते हुए कश्मीरियों की इस भावना का इजहार कर रहा है कि बस बहुत हो चुका, अब आतंकवाद को भगाओ और मेरे आने वाले भविष्य को संवारो। कश्मीर में डर का यह माहौल तब बदला जब सन 1996 में कश्मीरी आतंकवादियों की धमकियों के बावजूद वोट डालने के लिए बाहर आए और उन्होंने अपने लिए सरकार चुनी। इससे पहले अगर कोई मुंह खोलने का भी साहस करता था तो आतंकवादियों द्वारा उसे रातों रात खत्म कर दिया जाता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, वो डर चला गया है, अब हर कश्मीरी चैन से रहना चाहता है। उसके सामने सवाल पाकिस्तान या आजादी का नहीं है, इन दोनों को उसने नकारा है। आज सवाल है रोजी रोटी का, सवाल है अमन और चैन के साथ रहने का, सवाल है पिछले 10 सालों में हुई तबाही और बर्बादी के सुधार का। भारत की जमहूरियत में हर कश्मीरी को अपनी बात रखने का खुलकर मौका मिलता है और यही एक कश्मीरी के सच्चे भारतीय होने का प्रतीक भी है। हम कामयाब इंशाल्लाह जरूर हुए। एक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स टोन अप करने में बहुत अच्छा हमसे हो सका। 2 साल पहले तो यहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नाम नहीं था, ग्रास रूट पे कोई जाता नहीं था। आज अल्लाह का करम है कि इस दौरान अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप शुरू हो गया, बन गया है, लोग अकाउंटेबल हैं। अब वो भी अलग अलग सतह पे उस पर काम हो रहा है। एक तो जो डायरेक्ट बिल्कुल सीधा मसला है कि किसी घर में जो मर्द था वो मर गया तो कोई वसाइल नहीं है उनके पास, या किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, तो उसके लिए हमने स्टेट रिहैबिलिटेशन काउंसिल बनाई है जिसमें हम मदद देते हैं, इमदाद देते हैं लोगों को, चाहे फिजिकली डिसेबल्ड हो या मेंटली डिसेबल्ड हो तो उनके लिए। दूसरा है कि जो नौकरियां हैं हम वो देते हैं। सबसे जो बड़ा अंतर पड़ा है 96 के बाद वो है क्योंकि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई यहाँ पे, लोगों ने भारी संख्या में वोट्स डाले और एक गवर्नमेंट इलेक्ट की, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम था काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हमारी इस वक्त है वो यही होनी चाहिए कि जो हमारे आदर्श थे जिनको काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया, उन आदर्शों को फिर जिंदा किया जाए। पहले आपको ह्यूमन मटेरियल को फिर उस डगर पर लाना है जिस डगर पर वो
सदियों से चले आते थे और मिलिटेंसी ने उन तमाम आदर्शों को तबाह किया था। उसके बाद तो सहूलियात, हमारा तालीमी निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम, सड़कें, पुल, तजारत, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन सब शोबों को एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे ले जाना है। एक सरकार आई और सरकार ने कुछ इकदाम किए जिनके नतीजे में इस वक्त अल्लाह का फजल है कि हालात बहुत हद तक, मैं ये नहीं कह सकता कि हालात पूरी हद तक ठीक हो गए हैं, लेकिन बहुत तक ठीक है और बहुत हद तक इंशाल्लाह उम्मीद है आगे ठीक होने की। आप जानते हैं कि हमारे कुछ लेजिस्लेटर्स अब हैं जो पहले मिलिटेंसी में थे, अब लेजिस्लेटर्स बन गए, उनको भी पोलिटिकल प्रोसेस में लाया गया है। तो अलग अलग किस्म के तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जो मिलिटेंसी अफेक्टेड हैं उनको इमदाद दी जाए। उस वक्त भी मैं पुरुमीद था, मैं आज भी पुरुमीद हूं कल के लिए। वजह पुरुमीद होने की यह है कि जब मैं अपने इतिहास पर देखता हूं, अपने आवाम के इतिहास पर, एक लंबी हिस्ट्री पर नजर डालता हूं, कई चैलेंजेस आए हैं हमारे आवाम के सामने, उन्होंने उनका मुकाबला किया है और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर हमारे आवाम के बीच में वो गहराई है और वो सकत है, वो शक्ति है, वो ताकत है वैल्यूज़ की, ट्रेडिशंस की, कि हम इस आफत का से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कश्मीर में अब पहले वाली रंगत लौटने लगी है, आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन इस आतंकवाद ने पिछले 10 सालों के दौरान कश्मीर का जो नुकसान किया उसे दोबारा ठीक करना है और तरक्की की तरफ तेजी से बढ़ना आज के कश्मीर की सबसे बड़ी जरूरत है। जिम्मेदारी भी बनती है उस प्लेटफार्म को, ऐसे प्लेटफार्म को पेश करने के लिए जिसके लिए हम यहाँ जमा हो गए हैं। मैं मतलब आप सब साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि जो यहाँ मतलब हम फैसला ले लेंगे उस मतलब पॉलिसियां ऐसी बनाई जाए जो जिन पॉलिसियों से इन मसाइल को हल किया जाए। पैटर्न कश्मीर के लोग बाग आजकल अपनी बैठकों में आतंकवाद या उससे जुड़ी बातें नहीं बल्कि किसानों की समस्या, खेती बाड़ी और रोजी रोटी पर चर्चा करने लगे हैं। रोजगार कैसे बढ़ाया जाए इस पर बातचीत करते हैं। अपने अपने इलाके के विधायकों और सांसदों से मिलकर अपनी समस्या रख रहे हैं और ये बदलाव का एक महत्वपूर्ण संकेत है। आगे जम्मू कश्मीर के मैं समझता हूँ कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आईएस की जो चाल थी, जो उसकी साजिश थी कि यहाँ एक कम्युनल फोर्सेस को यहाँ उबारा जाए, हालात को अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए, अब मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इस 10-12 साल के बाद आज एक फिर सोच बन रही है लोगों में कि ये जो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार हम पे ठोसी है ये कोई एंड नहीं है और अब लोग उसको समझने लगे हैं और अब बेहतरी की तरफ आ रहे हैं और वो लोग अब मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। डेफिनेटली इम्प्रूव आवर सिचुएशन। बेसिकली 96 से पहले हम लोग तवक्को लगाए हुए थे कुछ ऐसी चीज़ों की जो शायद आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है। 96 के बाद लोगों ने समझा कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर रह रहे हैं तो, और जो हमारा अपना जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके लिए जो जदोजहद कर रहे थे तो उसमें हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना होगा। तो उस सिलसिले में एक अच्छी खासी तब्दीली पैदा हुई है, से वेरी इनकरेजिंग। तो फिर रियल फील्ड में जो प्रैक्टिकली देख लिया कि असल बात क्या है, असली क्या हो रहा है, सच क्या है, पाकिस्तान देखने का मौका मिला, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर देखने का मौका मिला, तो ये सब रियलाइज करने के बाद जब सोच आ गया तो कॉन्शियसली ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हकीकत क्या है, गलत क्या है और सही क्या है। तो गलत और सही का मौजूद करने के बाद ही बहुत से लड़के वो हैं जिनमें मैं भी एक हूँ, मेन स्ट्रीम में आ गए। सेंस ऑफ बिलोंगिंग लोगों को दे दी कि भाई वो मोड़ गलत है जो मोड़ ले रखा है, अगर कि वो लोग आ रहे हैं वो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, कहीं
बम लगा देते हैं, कहीं गोलियां मार देते हैं। किससे अभी वाजपेयी जी गए तो हमने 22 जिंदगियां हमारी खो गई। ये कुर्बानी हम देते रहेंगे, मगर इंशाल्लाह उन्हें भी ये बात समझ आई कि वो हमें छीन नहीं सकते, वो हमें निकाल नहीं सकते मुल्क से, हिंदुस्तान से। और इंशाल्लाह जैसे जैसे दिल्ली से और मदद आती जाएगी, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक और सामाजिक सुधारों के बिना तरक्की नहीं हो सकती। आतंकवाद के साथ साथ महंगाई ने भी कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ डाली। अब जबकि आतंकवाद खत्म होने को है, महंगाई ज्यों की त्यों है। इससे परेशान होकर राज्य के लोगों ने एक आम हड़ताल की घोषणा की। ऐसा पहली बार हुआ कि श्रीनगर, जम्मू, लेह, करगिल, राजौरी और पुंछ में कोई हड़ताल लोगों से जुड़ी समस्या को लेकर हुई। हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस हड़ताल का विरोध किया, लेकिन लोग नहीं माने। यह सिर्फ कश्मीरियों की जीत नहीं, बल्कि एक लोकतंत्र की भी जीत है। हम ऑलरेडी पिछले 12-13 सालों से पीसे हुए हैं मिलिटेंसी में। ऊपर से इन्होंने हमारे ऊपर ये बोझ डाला है, हमारे लिए ये बेहतरीन बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, हिमाचल में आप देखिए कितना परसेंट टैक्स है, आप पंजाब में देखिए, हम ऑलरेडी 4% टैक्स देते थे और देना भी है। टैक्स से ही गवर्नमेंटें चलती है। आई कैन डू इट, वी विल डू इट, बट अगर हम 4% देते थे, इन्होंने 12% कुछ दिए है। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है जो हम टैक्स दे देंगे, गवर्नमेंट को हमने मालू जान की हिफाजत करनी है। इन टैक्सों से हम बहुत ज़बरदस्त मुतासर हो गए। इसी के सिलसिले में यहाँ लोगों ने एहतजाज किया, 2 दिन की हड़ताल। वो सियासत नहीं थी, वो लोगों का इजहार अफसोस था इस बारे में कि यहाँ महंगाई ज़्यादा हो गई है, मायशी हालत यहाँ तबाह है, रोज़गार यहाँ कम है, कम वसाइल है, बेकार पड़े हैं बहुत लोग जिनके वसाइल नहीं हैं कि वो शाम को रोटी खा सके। बहुत ऐसे घराने हैं जो भूख और प्यास से मर रहे हैं यहाँ। मगर वनस गुजारा चला कहीं अब हमारा गुजारा नहीं चलता है। हमें दिन में 30 रुपए मिलते हैं, घर हमारा नहीं चलता इससे। एक शॉल वाले की हालत खराब, एक बुनकर की हालत खराब। 8 घंटे में इन्हें 30 से 40 रुपए मिलते हैं। मुलाजिम को तो तनख्वाह मिलती है, इन्हें कुछ भी नहीं। ना डॉक्टर फारूक देखते हैं और ना ही कोई और हमारी कदर करता है। ये दुकान मेरे बाप की है और वो समझो मेरी है। और बिजनेस हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है सर, क्योंकि इसका तो प्रॉब्लम हो गया ये रास्ते के। तो टूरिस्ट आते हैं मगर अड्डे में आते हैं, इधर नहीं आते हैं। इधर समर टाइम में आते हैं टूरिस्ट। समर टाइम में कितने आते हैं? तकरीबन आते हैं 20-25 गाड़ियाँ। तो तब कमाई माई हो जाती है? हो जाती है सर। क्या कितनी कमाई हो जाती है? यही 5-6 हज़ार रुपये सर। तो आजकल नहीं, आजकल तो कुछ बिजनेस नहीं है सर। यहाँ तो हमारा डिपेंड है टूरिस्ट ट्रेड पर। जब टूरिस्ट आएंगे तब जाके हम खाना खाएंगे, तब जाके हम कुछ करेंगे। पिछले 13-14 सालों से यहाँ टूरिस्ट आए ही नहीं, बिल्कुल टोटली फेल है। 141 करोड़ रुपया प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को खसा रहा है, 141 करोड़ रुपये। बाहर के लोग यहाँ पर आके आराम भी उठाए, उनके लिए वो आराम का बंदोबस्त किया गया होटल बनाने से, ताकि वो आए और आकर
यहाँ पे उनके लिए आराम से रहना सहना खाना पीना सब कुछ बंदोबस्त हो। और ये जो पैसा आए, ये एक बोट जो ये लोग हाउस बोट वाले उनको भी मिले, टोंगा वाला है उसको भी मिल जाएगा, कोई मजदूर है उसको मिलेगा। टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लास्ट ईयर से फिर से शुरुआत हो गई है और हम अब होटलों को भी मदद करना चाहते हैं। जिस तरह हमने पहले टैक्सियों को, बोट वालों को, शिकारे वालों को, पोनी वालों को मदद की है, हम चाहते हैं कि दूसरे भी जो टूरिज्म इंडस्ट्री से इन्वॉल्व हैं उनको खड़ा कर दिया जाए। आतंकवाद के 10 सालों ने कश्मीर के नौजवानों को बुरी तरह से झकझोर दिया, लोगों की माली हालत खस्ता हो गई, गरीबी बेतहाशा बढ़ी क्योंकि कश्मीर के आधे से ज्यादा लोग पर्यटन से रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में यहाँ ना के बराबर टूरिस्ट आए। यहाँ के दस्तकारों, हाउस बोट्स के मालिक, होटल वाले और कुलियों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। 1990 से पहले जम्मू कश्मीर को पर्यटन से 400 करोड़ रुपयों की अच्छी खासी आमदनी होती थी। इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर को कितना महंगा पड़ा। एक दशक बाद अब जाकर कश्मीर सही मायने में कश्मीर लगने लगा है। यहां सैलानियों की भीड़ फिर से नजर आने लगी है। डल झील पर वीरान पड़े हाउस बोट फिर से आबाद होने लगे हैं। बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई है और कश्मीरियों की खोई मुस्कुराहट फिर से लौटने लगी है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने जिस तरह करगिल में हमला किया, उससे सारा मामला चौपट हो गया और कश्मीरी इस बात से बेहद नाराज हो गए। आज भी आप देखें, 50 साल हिंदुस्तान को आजादी के हुए, एक ही सड़क है, बानिहाल काट रोड, और कोई सड़क नहीं बनी। और जब बारिश आती है ये सड़क गायब हो जाती है, हफ्तों ये बंद रहती है, लोग वहाँ फंस जाते हैं, लोग यहाँ फंस जाते हैं। यानी आज भी आप देखें 500 यहाँ पे लद्दाख के लोग, वो करगिल से हों या लेह से हों, यहाँ बंद हैं, क्योंकि जहाज़ एक आता है वो उनको निकालता है। अब उसमें 200 आदमी बैठते हैं, कब तक वो यहाँ से जाएंगे? और ये बढ़ती जाएगी तादाद, क्योंकि अब वो वापस जाना चाहते हैं, उनका काम शुरू हो गया। कई दफ़ा हम चिल्लाते हैं, भाई उनके लिए भी सोचो कि क्या इतना मैसिव मुल्क है, क्या टनल नहीं बन सकती? जो जिले में टनल नहीं बन सकती, जो कि ये रास्ता जो है सारे साल खुला रहे। मैं एक छोटी सी मिसाल ये दे दूँगा, हमारा एक नेशनल हाईवे है जो कश्मीर को मिलाती है अपने मुल्क से, वो तक अभी ठीक नहीं हो पा रही है। उसके बाद रेल देखिए, 83 में मिसेस गांधी ने उसका नींव रखा उधमपुर में नींव रख के वो रेल जो है आज तक उधमपुर नहीं पहुंची। 83 देख लीजिए, और आज हम 21वीं सदी में घुस रहे हैं, खुदा जाने कब वो रेल पहुंचेगी वहाँ, कब वो बारामूला पहुंचेगी, जिसकी हमें उम्मीद करते हैं कि साहब हमें भी वो रेल पहुंचे, कि ये जो आइसोलेशन हमारा है ये आइसोलेशन दूर हो जाए, हम भी मुल्क से मिल जाएं। हमारे यहाँ तनख्वाहें नहीं है 4 महीने से, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस 1991 2 करोड़, 1998-99 1310 करोड़, और ये सब जम्मू कश्मीर की रियासत पे ये बोझ है, यहाँ के लोगों को ये देना है, वापस देना है, कौन देगा, कहाँ से लाएंगे? मिलिटेंसी हो गई थी पंजाब में भी स्टार्ट, वहाँ भी कम से कम 13 साल रही मिलिटेंसी, उसके बाद गवर्नमेंट उनको रिवाइज किया है, रिहैबिलिटेट किया है, सारा टैक्स उनको माफ़ हुआ है, और नए नए फैक्ट्रियाँ डाली गई वहाँ, कम सूद पे उन्होंने बड़े बड़े कारखाने लगाए, जैसे एक रेल कोच जहाँ रेल कोच बनती है, श्रीनगर या वादी कश्मीर में उसके मुतबादल में कोई कुछ इंतज़ाम नहीं किया गया है।
पिछले कई सालों से 12-13 सालों से पंजाब में मिलिट्रेसी थी, वहाँ पर सब एग्जम्प्ट हो गए। गुजराल साहब ने वहाँ एग्जम्प्ट किया, हमारे प्रेम मिनिस्टर साहब ने, डॉक्टर फारूक को भी चाहिए था यहाँ पर एग्जम्प्ट करना। जिस स्टेट का 7,000 करोड़ कर्जा है, उस स्टेट की फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में जिंदा रहेंगे? जो स्टेट बगैर किसी वजह के न पानी है न बिजली है, फीस चढ़ाता रहता है, और आज तक मैं 70 रुपये देता था बिजली फीस, अब मैंने 332 रुपये माहवार देना है। हालत ये हुई कि हमें 70 फीसदी जो मिलता था वो लोन था और 30 फीसदी ग्रांट थी, यहाँ तक कि अब हमें कर्जा 12,000 करोड़ का हम पे जो है ये कर्जा पड़ा हुआ है, 1,200 करोड़। जम्मू कश्मीर राजमार्ग इस इलाके को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ता है, लेकिन बारिश और सर्दियों के दौरान चट्टानें खिसकने या बर्फ पड़ने से ये इकलौती सड़क बंद हो जाती है, और इसीलिए यहाँ कुछ नई सड़कों को बनाना बेहद जरूरी है ताकि कश्मीर पूरे साल हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहे। कश्मीर आज तरक्की की राह देख रहा है। हर कश्मीरी चाहता है कि उसकी गरीबी दूर हो, उसका रोजगार बढ़े और बच्चे पढ़े लिखें। लेकिन ये सब तो तभी होगा जब कश्मीरी को मदद मिलेगी। आतंकवाद अब कश्मीर में बीते कल की बात होने लगी है। यहां का हर बाशिंदा ये अच्छी तरह समझ चुका है कि जब तक कश्मीर बाकी हिंदुस्तान के साथ मिलकर नहीं चलेगा, उसकी तरक्की मुमकिन नहीं, और वो अलग थलग पड़ा रहेगा। ये बात आज हर कश्मीरी महसूस करने लगा है। यहां अंदरूनी तौर पर जो सबसे बड़ी बात है मरकजी सरकार के लिए, जो एक कौमी फरीजा है, नेशनल ड्यूटी, और जो ये हमारी रियासती सरकार के लिए एक तवारीखी जिम्मेदारी है, वो ये है कि पार्टी मुफादात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर आवाम के तई हमदर्दी का जज्बा अपनाए, एक हीलिंग टच, जख्मों को थोड़ा सा मरहम पट्टी की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि अगर उस प्रोसेस को हम और ज़्यादा चलाने की कोशिश कर लेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उनमें और ज़्यादा बेहतरी लाई जा सकती है, और अनकरीब आने वाले वक्त में और ज़्यादा आवाम की शिरकत से जो ये दूसरे अनासर के अजाइम हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है। दुनिया तो ख्वाहिशात पे ही होती है, ख्वाहिशात जो होती हैं वो हर इंसान की ख्वाहिशात हैं। लोग आज खुशहाली चाहते हैं, आज रोटी कपड़े का मसला है, आज गुरबत का सवाल है, अफलास को दूर करने का सवाल है, आज लोग इन लाइनों पे सोचते हैं। हम कश्मीरी एजेंडे की बात कर रहे हैं, जब कश्मीरी एजेंडे की बात कर रहे हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ मसाइल हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि इन मसाइल का हल हमारे ही पास है, इसके लिए हमें नेगोशिएटर्स या आर्बिट्रेटर्स बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। वी आर कॉम्पिटेंट एनफ, वी मीन विद पीपल ऑफ कश्मीर कॉम्पिटेंट एनफ टेक ऑन द इश्यूज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी विल बी एबल टू सॉर्ट आउट, वी डोंट नीड एनी फॉरेन इंटरवेंशन ऑन दैट अकाउंट। तशद्दुद के रास्ते को कोई पसंद नहीं करता, और यहाँ तो मेरी नज़र में जमहूरियत की जड़ें और सेकुलरिज्म की जड़ें जो है वो बड़ी मजबूत हैं, उनको नहीं बिगाड़ा जा सकता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग सुबह उठें और अपने को हिंदुस्तानी समझें, अपनी जगह हम मुसलमान हिंदू सब मुबारक। कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। पोषमान बिंदने द्राय